अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स स्टूडेंट, प्लीज़ ओपन योर मैथ बुक पेज नंबर 12। इन दिस लेक्चर वी कंटिन्यू द रिव्यू एक्सरसाइज। पिछले लेक्चर में भी हमने रिव्यू एक्सरसाइज की थी, क्वेश्चन 1, 2, 3। इसमें हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे, सेपरेट फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड एम्प्टी सेट। ये 3 सेट दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन से फाइनाइट है, कौन से इनफाइनाइट है, कौन से एम्प्टी है। यह आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए 1 और 2 क्वेश्चन अब करेंगे। क्वेश्चन 3 देखें, द सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑन द मून। कह रहे हैं उन पीपल्स के नंबर्स बताएं जो मून पे रहते हैं। तो हमें पता है कि मून पे कोई भी नहीं रहते लोग, तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये एम्प्टी सेट है। आपको पता है पाकिस्तान में कितने दे रहे हैं, तो आपको पता है ये इनफाइनाइट होगा कि फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये भी आपको पता है कि नेचुरल नंबर लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, तो आपको पता है ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में है सेपरेट इक्विलेंट एंड नॉन इक्विलेंट पेयर ऑफ सेट। हमने इक्विलेंट और नॉन इक्विलेंट बताने हैं, कौन से सेट इक्विलेंट है और कौन से सेट नॉट इक्विलेंट है। तो आपको पता है इक्विलेंट सेट में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट के काउंट करते हैं। जैसा कि ए में देखें, सेट ए में 1, 2, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, और सेट बी में 1, 2, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। दोनों में 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इक्विलेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सी में 1, 2, 3, 4 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है, और सेट डी में 1, 2, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए सेट सी और डी इक्विवेलेंट नहीं है, ये नॉन इक्विवेलेंट है। ई देखें, सेट ई में देखें द सेट ऑफ 5 होल नंबर्स, और सेट एफ में देखें द सेट ऑफ वोवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये भी इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमारे वोवल अल्फ़ाबेट भी 5 हैं, और हमारे उन्होंने क्वेश्चन में 5 होल नंबर दिए हैं, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। जी सेट देखें, द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। आपको पता है कि हमारे वीक में 7 डेज होते हैं। सेट एच देखें, द सेट ऑफ काउंटिंग लेस देन 7। उन्होंने कहा हुआ है कि अगर सेट एच है तो उसके नंबर 7 से लेस देन है, मतलब कि 6 होंगे, तो हमारा ये नॉन इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके साथ मैच नहीं किए। इसलिए मैंने नीचे आंसर में लिखा है 1 और 3 आर इक्विवेलेंट सेट एंड 2 और 4 आर नॉन इक्विवेलेंट सेट। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट टू मेक देम इक्वल। हमने सेट दिए हुए हैं और कुछ उन्होंने ब्लैंक्स छोड़ी हुई हैं। आपकी बुक पे भी होगा, आप इस क्वेश्चन को बुक पे ही सॉल्व कर लें। तो क्या है, सेट ए देखें, इसमें ई ए आर टी एच है, और सेट बी में उन्होंने टी आर और एच दिया हुआ है। अब मैंने देखना है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट मिस है, तो देखें टी एच और आर दिया हुआ है, ई और ए नहीं है, तो पहले मैं ई लिखूंगी फिर मैं ए लिखूंगी, तो मेरा सेट बी भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सेट ए है 0, 2, 4 और सेट बी है 2, 4 और 0। ये 2 और 4 जो है ये ब्लैंक्स हैं, आप अपने बुक पे देख रहे होंगे, तो 0 है, तो आप सेट ए से देखेंगे यहाँ पर 2 और 4 है, इसलिए मैं यहाँ से देख के इस सेट बी को कम्प्लीट कर लूँगी। मैंने सेट ए से देख के सेट बी को कम्प्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ए इज इक्वल एप्पल मैंगो ऑरेंज, और सेट बी में ऑरेंज दिया हुआ है और बाकी हमारी ब्लैंक से 2, तो मैं सेट ए से देखूंगी यहाँ पर एप्पल है और ऑरेंज है, तो सेट ए से देख के मैं सेट बी में लिखूंगी। यहाँ पर आपकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इस एक्सरसाइज के जो होमवर्क है क्वेश्चंस को उनको कॉपी पे करें, अपने पेरेंट्स को चेक करवाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।